2 लाख। और ये सब देखिए पुरानी चीजें, जब प्रोग्राम में घोगा वगैरह डोली वगैरह वो है। ये क्या है? रावण का चेहरा रावण का चेहरा। दोस्तों, जय माता दी। मैं विनीता राणा सिद्धपीठ कालीमठ से आपका स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे सुबह के 10 बजे से, और आज मैं जा रही हूँ शादी में। मेरे मामा के लड़के की शादी है और अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से। तो आगे मेरे ब्लॉग में बने रहें और बताते हैं आपको पहाड़ों में शादी कैसे होती है, और वो भी ठंड के मौसम में। और वो भी बारात जाएगी तो उसी गाँव तिरजुगी से आगे लास्ट गाँव जहाँ सड़क भी नहीं है, और कैसे क्या पता बर्फ़ पड़ जाए शादी में। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि वहाँ हमेशा बर्फ़ पड़ी रहती है। तो चलते हैं और आप भी बने रहें। हम पहुँच चुके हैं डॉक्टर जी एक्सिन स्कूल के सामने वाली सड़क पे, और अभी हम ना थोड़ा स्कूल में जाते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि स्कूल कैसी है। तो आगे भी आपने कभी मेरे वीडियो में देखा होगा, और कल जो कल चला गए थे तो सर हमारे साथ शूटिंग में गए थे, तो कुछ वीडियो मेरे उनके फ़ोन में है, तो उनके यहाँ पे वाईफाई है, तो मैं वहाँ जा रही हूँ। वहाँ से वीडियो बहुत जल्दी शेयर हो जाएंगी वहाँ। तो चलते हैं स्कूल में। कौन है घर में? कोई नहीं है। तो खूबसूरत फूल की वेलकम से शुरू हो गया स्कूल में। इतना सुंदर लग रहा है फूल। अब मैं ना सामने का व्यू आपको दिखाती हूँ यहाँ से। ओके मैम, आजकल आज तो जा रही हो रखा है पूरा मौसम, आप देख सकते हैं सारी जगह धुआं धुआं हो गया है, और बहुत दिनों से बारिश नहीं हो रही है। इसके कारण जंगलों में लोगों ने आग लगा दी है, और अपने आप तो लोग घरों में छुपे हुए हैं, और जो जंगलों में पशु पक्षियाँ हैं ना उनका घर जला के आराम से। देखो कुछ लोग इतने ऐसे भी होते हैं तो जिन्होंने ये आग लगाई है उन्हें बहुत पाप लगना चाहिए। पूरा धुआं हो गया, कहीं भी पहाड़ नहीं दिख रहे हैं हमको। तो पहले चल पढ़ना, श्रेष्ठ पढ़ाई कर रहा है, दिखा श्रेष्ठ। अरे कृष्ण, ये पांडव नृत्य में आपने देखा होगा कृष्ण के रोल कर रहा था कृष्ण। हाँ नहीं थे बोला भगवान। अच्छा थे, अब था हो गया, अब नहीं बोलेंगे इसको थे। हेमन सिंह, ये किसने बनाए? ये एक बच्ची, उसने समझाया ना, एक बच्ची उसने। अच्छा ने यहाँ पे चाय बना दी है और पकौड़ी भी बना दिया जल्दी जल्दी में। यहाँ देखो, थैंक यू। करके चाय और पकौड़ी खा ली हैं, और अब थोड़ा सा यहाँ स्कूल के साइड घूमते हैं। ये ऊपर कभी प्रोग्राम वगैरह होते हैं तो यहाँ पे वो बना रखा है, और आगे आपको दिखाते हैं थोड़ा। तो आज तो जल्दी में है तो कुछ कुछ ही दिखाएंगे। लाइट नहीं चिबा, तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पौराणिक जो चीजें होती हैं सब आपको मिलेंगे यहाँ पे। और ये देख रहे होंगे आप, ये रिंगाल से बना हुआ है, इसको तेथला बोलते हैं, और इसमें ना पहले धान की मंडाई होती थी। तो आप तो पर तिरपाल और बरसाती यूज करते हैं, और ये ढोल नगाड़े ढोलक और ये सब देखिए पुरानी चीजें। अला स्कूटी भी, स्कूटी स्कूटी क्यों है? बस मम्मी पापा की हो। अच्छा, और ये जब प्रोग्राम में घोगा वगैरह डोली वगैरह वो है, ये क्या है? रावण का चेहरा। रावण का चेहरा, इस साल ने जब बीएड किया था उसका है ये। अच्छा, श्रेष्ठ ना हाँ। छोटे से कृष्ण बनता था यहाँ देख। हाँ ये तो मेरे को याद है ना बचपन से, ये तब का है जब हमारे यहाँ 12 साल पहले पांडव नृत्य हुआ था, तब श्रेष्ठ इतना छोटा था यहाँ देखिए।
और आज का भी आपने देखा आज होगा, आज का तो अभी नहीं है क्योंकि वो आगे की वीडियो में आपने देखे ही होंगे। जब ये पहली बार कृष्ण बना था ना, हाँ, तब ये 1 साल 6-7 दिन का था, यहाँ किसी की भागवत में बना था। और ये मंदना यात्रा है ना, जब वहाँ भागवत हुआ था, चंडी पाठ है वहाँ, चंडी पाठ 2016 का आएगी, 2016 का। बाप मम्मी मेरी सब गए थे ना, सारा खर्च इन्होंने किया था उस समय। हाँ तब तो बोल रहे थे ना, खर्च क्या कोई बात नहीं, पर अपना बिस्तर वगैरह तो ये खुद लेके जा सकते थे ना ये लोग। हाँ अपना मतलब जैसे ये लोग अपना वो लेके गए क्या, बहादुर ना पर डे का 500 रुपए कितना मांग रहे थे वो, 2-2.5 लाख से ऊपर लगा उस समय का। अब करेंगे तो और ज्यादा खर्चा होगा अब तो। अरे पर उस नहीं, चलो अपनी माँ का सास का तो ये अपना खर्च करते करते बामणों का करना था। हाँ। पर और भी कोई अपना का अपना करना चाहिए था ना। ये कील वाला क्या है, चक्रव्यूह? अच्छा ये चक्रव्यूह है, ये ऐसे बनेंगे उसमें दरवाजे तो देख कहाँ से है। वही तो मैं देख रही हूँ, ये चक्रव्यूह का कीलों से बना रखा है, तो धोतियों का भी तो ऐसे ही बनता है ना। तो इसका ऐसा होगा कि दरवाजा कहाँ से अंदर गया आदमी, बहुत मुश्किल से। ये मैं शॉर्ट हैंड का है, मैंने भी किया था ये शॉर्ट हैंड नहीं टाइप राइटर है। हाँ पर शॉर्ट हैंड के टाइम पे जिस पे शॉर्ट हैंड अलग होता है। और ये देखिए ये है पाथा मानु श्योर, ये सब पुरानी चीजें हैं यहाँ पे। और ये हम जब व्यायाम करते थे तब, अब भी होते हैं ये ऐसे व्यायाम? पहले हमारे जमाने में ऐसे व्यायाम भी होते थे, अब भी होते होंगे ये चक्के। और ये देखो ये मुया, तो ये कंजले, और ये क्या बोलते हैं उसको, बैल के सर में रखते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, जुआ जुआ। हाँ ये जुआ गिंजला। और ये लाट, ये नसुड़ा मुया। आपने यहाँ पे देख लिया होगा पुरानी चीज़ें, पुरानी से पुरानी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगे, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि अभी मेरे को शादी में भी जाना है, लेट भी हो रही है। तो कभी फिर से आएंगे कभी यहाँ और आपको दिखाएंगे पूरी स्कूल को, और यहाँ पे कैसे क्या क्या चीज़ें व्यवस्थाएँ हैं स्कूल की सारी आपको दिखाएंगे अगली जो वीडियो आएगी बाद में। तो कभी आएंगे फुर्सत से, तो आज चलते हैं अभी गुप्तकाशी बाज़ार की ओर। यहाँ पे ये स्कूल की बस है, बच्चे जहाँ के होते हैं वहाँ लेने जाती हैं। पहले 2 बस थी, तो मेरे हस्बैंड भी पहले यहीं रहते थे, जब मेरे बच्चे यहाँ पढ़ते थे तो मेरे बच्चों ने ही यहाँ से पढ़ाई की, और अब दोनों बच्चे मेरे नवोदय विद्यालय में चले गए हैं। तो स्कूल का ये फील्ड दिखाई दे रहा है यहाँ से, और आज तो मौसम ने हद ही कर दी, यहाँ देखो पूरा मौसम बंद हो रखा है, धुआं धुआं हो रखा है पूरा। हमने गुप्तकाशी से इतनी शॉपिंग कर दी है और अब चलते हैं त्यूड़ी की ओर। हम आ गए हैं स्कूल में नवोदय विद्यालय के, और यहाँ पे हम आयुष को मिल भी गए, और अब चलते हैं इधर त्यूड़ी की ओर। पहुंच चुकी हूं अपने खूबसूरत से ननिहाल त्यूड़ी गांव में, और आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली। अगली वीडियो हमारी शादी की होगी, पहाड़ी शादी और त्यूड़ी गाँव में मेरे ननिहाल में कैसे होती है, तो बने रहे आगे हमारे साथ। जय माँ काली।